इस वीडियो में बात करेंगे जॉब रहने वाली है इंपल्सन गाइस कंपनी में। यहाँ पे आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लिंक दे दूंगा कहीं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए और डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे जो जॉब रहने वाली है GIS एनालिस्ट की रहने वाली है, जो कि 10 वैकेंसीज रहने वाली है। लोकेशन भुवनेश्वर रहने वाली है, इंडिया, उड़ीसा में एक जॉब रहने वाली है। तो जल्दी से अप्लाई कर लेना, जितने मेरे दोस्तों को वीडियो शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो यहाँ पे देखो जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट, 0 से लेके 2 साल तक एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो तब भी आप एलिजिबल हो। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हो। तो क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर आपके पास एक्सपीरियंस है GIS या फिर एनी कैड प्लेटफॉर्म, आपके पास कुछ भी इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आप इसमें एलिजिबल हो। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है अगर आप 0 ईयर एक्सपीरियंस है। गुड नॉलेज इन QGIS की आपको नॉलेज होनी चाहिए और ArcGIS की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ओपन टू वर्क फ्रॉम ऑफिस इन शिफ्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो पर्सनल प्रेफरेंस दिखिए, गुड लिसनिंग, राइटिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, टीम प्लेयर एटीट्यूड, सेल्फ स्टार्टर एंड एबिलिटी टू मैनेजिंग मल्टीटास्किंग एंड एडजस्टिंग द चेंजिंग प्रायोरिटीज। तो ये गाइस आप देख सकते हो। अब आएंगे गाइस क्वालिफिकेशन पे, एनी ग्रेजुएशन। गाइस कोई भी ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से अप्लाई कर सकता है। यहाँ देखोगे एनी ग्रेजुएट और डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा भी आपने कराया है गाइस तब भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। इसके बाद देखो नॉलेज ऑन GIS एंड ऑटोकैड वुड बी एडिशनल एडवांटेज। अब आप देखोगे ऑटोकैड की बात हो गई है यहाँ पे, ऑटोकैड आप तो आता ही गए ज्यादातर इंजीनियर्स को, जो भी गए सिविल से हो चाहे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से हो, उनको ऑटोकैड आता ही है ऑलमोस्ट सभी को। तो GIS की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, फ्रेशर हो, तो गए गूगल से आप नॉलेज ले सकते हो उसके बारे में। ऑटोकैड तो आपको आता ही होगा, इनकी नॉलेज ऑटोकैड भी नहीं आता है गए तो आप इनको थोड़ा बहुत सीख लो और इसमें अप्लाई जरूर कर लेना। ये जॉब रहने वाली है GIS एनालिस्ट वैकेंसी 10 रहने वाली है भुवनेश्वर में। अब अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गाइस इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मेल मिलेगी इनकी, कॉन्टेक्ट पे देखोगे info@impulselaser.com, तो इस पे आपको मेल करनी है गाइस। इस मेल पे आपको अच्छे से गाइस मेल करनी है, अपने इंटरेस्ट वहाँ पे लिखने हैं और आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और गाइज यहाँ पे आप कैफे या बेनिफिट आप दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, ये आप लिख के यहाँ पे मेल कर सकते हो अपना CV अटैच करके। तो गाइज इस मेल पे आप मेल कर सकते हो अपनी जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए। तो ये जॉब रहने वाली है जो कि है गाइज GNS एनालिस्ट की, फ्रेशर जॉब है गाइज। थैंक यू गाइज, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज।